इस तरह का विपत्ति किसी माँ पिताजी को नहीं मिले। 2 बजे रात में उन्होंने पकड़ाया। मादर चो तू पटर 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 मोबाइल पे वीडियो बनाती है, तुमको जरा सा भी लाज शर्म है? रत्नी जी, आरती का जो पापा है उस रात का घटना जो है वो अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मतलब छोटू को जो है उनको कोई छुआ भी नहीं। नहीं, हमको तो लगता है ये रंडी लड़की कभी बोलता है कि हम घर में थे, कभी बोलता है हम सुतल थे। आरती का जो पापा है वो भी तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग उनको नहीं मारे हैं, और जितना भी ग्रामीण है वो उन लोगों ने उनको पकड़ा चोर चोर कह करके, क्योंकि रात में कोई भी व्यक्ति जाएगा किसी का भी घर जाएगा तो वो चोर कह करके हल्ला करेगा। हल्ला किया, वास्तव में हल्ला किया, आदमी जुटा, जुटने के बाद जो है उनको बंद कर दिया गया। अब मान के चलिए किसी का घर में कोई घुसेगा तो लपड़ थप्पड़ लगेगा ही। बिल घुट फूस के लड़की फंसा रही है। लड़की को तो शर्म, बिल्कुल शर्म नाम के चीज नहीं है कि अपना जिस्म बेचने के चक्कर में पूरे दुनिया जान गया। मादर चो तू पटर 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 फोन मोबाइल पे वीडियो बनाती है, तुमको जरा सा भी लाज शर्म है कि तू अपना गर्मी निकालने के चक्कर में तुम्हारे माए बाप जेल में है, जीजाजी जेल में है, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आरती का जो पापा है वो रो रो करके बोल रहे हैं कि मतलब हमको शांति से जीने के लिए दो। बिल्कुल बेचारा, वो तो किसान आदमी है, छोट मोट किसान है, अपना जीवन यापन करता था, और उसको क्या पता हमारे घर में एक रंडी पैदा हो गया है। कोई भी व्यक्ति जवान बेटी को देखेगा एक गैर मर्द के साथ तो उसके दिल में आग जलवे करेगा। बिल्कुल, ये लड़की को तो जरा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। ये तो अभी घूंघट पर्दा में रहता है, मादर चो टपर टपर कभी यहाँ घूमने, बाप को जेल भेजा दिया, तुमको इतना प्यार का लोभ था तो पति तुम्हारा मर गया, मादर चो तू भैंसुर से शादी कर लिया, तुमको जरा सा भी ख्याल है तू जीवन में क्या कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही, तुम्हारे वजह से समाज गंदा हो रहा है, जरा सा भी तुमको अफसोस है हम जीवन में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इसको तो बीच चौराहे पर नंगा करके मार देना चाहिए इसे लड़की को। इस लड़की की वजह से समाज में गंदगी फैल रहा है, नया लड़का लड़की इस सब के चक्कर में बहक रहा है, समझे ना? बिल्कुल, इसको तो समाज से दूर करके नंगा मार देना चाहिए इस लड़की को, इसको जीने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।